हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मेरा प्रणाम, मैं नीरा प्राणा, स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नई ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई ब्लॉग की शुरुआत और सुबह की बज रही है 7। और दोस्तों, अभी हम हैं अपने रसोई घर में और रसोई घर में क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। आपको पता ही है सुबह सुबह क्या करते हैं रसोई घर में, या तो पीते हैं चाय या तो देखते हैं आग। तो आग की तो आजकल ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि धूप होने लग गई है तो गर्म भी होने लग गया है, बारिश तो बंद हो चुकी है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मौसम एकदम बदला हुआ है। धूप हल्की फुल्की सी आ रही है और बाकी यहाँ पे देखो आरोही बना रही है रोटी, आज का नाश्ता आरोही बनाएगी। और यहाँ पे देखो आरोही कितनी किसान हो गई है, रोटी बनाने लग गई है। आरोही बहुत काम करने लग गई भाई, जब से आरोही का भुल्ला हुआ है तब से आरोही इतनी किसान हो गई है हम बता नहीं सकते भाई। और कल की ब्लॉग आपने आरोही की देखी होगी, तो कैसी लगी आपको कल की ब्लॉग? आरोही मस्त वाली ब्लॉगर भी बन गई भाई, कितनी अच्छी ब्लॉग शूट कर रही थी। बाकी दोस्तों, जल्दी तो ब्लॉगिंग शूट कर ही रही है, इसके बाद थोड़ा काम निपटाते हैं, फिर थोड़ी बाद देर बाद मिलते हैं। आरोही ने रोटी देखो कैसे बना रखी है, आरोही की रोटी ये देखो। तो अब थोड़ी देर बाद मिल रहे हैं आप लोगों से, फिलहाल अभी थोड़ा काम निपटा देते हैं, तब मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। ये देखो मेरी बुआ रोटी बना रही है। मॉर्निंग सुप्रभात, अब तो मेरी पन्ना मेरी बुआ रोटी बना रही है। ये देखो आग जग रही है, एक गर्म पानी रोटी, ये देखो आग जग रही है। ये देखो आटा रखा हुआ है, मैंने पीसू डाला है। ये देखो कुर्सी है, ये मल्टी कलर की टोकरी है। देखो आग जग रही है, ये देखो देखते हैं दिखाओगे। ये लो ए बुआ, मैं भी लोग रोटी खिलाई रोटी। ये देखो अब भी खाओगे? हाँ मैं भी खाऊंगा, ये आसू बन। वो देखो लकड़ी ये भी रोटी बनाती हूँ। ये देखो मैं भी रोटी बनाती हूँ, मैं भी रोटी बनाती हूँ। मेरे बुआ कैसी बिल्ली है देख लिया, देखो मेरी फल। गाइस मेरी गेली पीड़ा हो रही है, गाइस मेरी गेली पीड़ा हो रही है। गाइस रोटी बनाने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने रसोई घर में। रसोई घर के तो हो रखे हैं बुरे हाल, ये हैं कल शाम के आलू के पराठे। और अभी देखो थोड़ा झाड़ू पोछा करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। पर झाड़ू मारने के बाद मैं लगा रही हूँ नीचे झाड़ू, नीचे चौक में।
अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं डाल रही हूँ केड़े घाम, क्योंकि ये हल्की फुल्की सी धूप है तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, इन पे धूप लगेगी तो अच्छी तरह से जल जाएंगे। ये होता है हमारा डेली का काम। तो गाय इस घर का काम निपटा के अभी आई हूँ मैं गौशाला गाय को बाहर निकालने के लिए, फिर इसके बाद निकालूंगी गोबर। हाय कर हाय। तो गाइस सभी का काम है मुझे गोबर निकालना है। ये रहा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे आ रही है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, मतलब गौशाला में आ चुकी हूँ। अब गोबर निकालना है मेरे को। ये देखो मेरे बुआ आ गा दे रही है, ये देखो खिड़की बुआई। ये देखो कुचाप सिंदिया लगा हुआ है मेरे को। हाँ क्या खराब हो रहा है? उन दो फुंडो गाइस ये देखो मेरे बुआ क्या गद्दी है, छी निकाल रही हूँ मैं, गोबर निकाल रही हूँ। ये देखो छी निकाली है, गोयर निकला रही हूँ। तो गाइस मॉर्निंग की बस चुकी हैं 10 और मेरी भाभी लेके आई है घर या लाई धोती पे, इसलिए लाते हैं इसे ताकि ये झड़े ना। और यहाँ पे देखो आरोही को, आरोही इसको पिट्ठी पे लगा रही है भाई। आजकल का सबका यही काम है कि खेतों से घरिया लेके आना। ये देखो घरिया पूरी पक चुकी है ना, तो इसलिए सब घरिया लेके आ रहे हैं। और ये कुछ अभी मॉर्निंग का गांव का व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे आरोही को देखो कैसे ताड़ से आ रही है इस बाहर के नीचे, ताड़ से आ रही है भाई ये इस पे ले। तो गाइस अभी आ चुकी है शादी की राशन, मतलब चावल वगैरह। मैं भी गई थी, मैं तो जल्दी आगे आ गई थी और भाभियाँ ला रही हैं। ये देखो सारी भाभियाँ ला रही हैं और मतलब सब भाभी लाए, मैं तो लाई नहीं, तो मैं जल्दी घर आ गई थी। मैंने सोचा मैं तब तक चाय वगैरह बना लूँगी। ये देखो तो गाइस पहले दूंगी मैं सबको कोल्ड ड्रिंक, ये मैंने गिलास पे रख दी है। और अभी मैं सबके लिए चाय लेके आ गई हूँ। सब भाभियाँ यहाँ पे बैठी हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, कुछ ऊपर में बैठे हुए हैं। कुछ बनो, कुछ बनो ठंडो। हाय हाय हाय। Thank you.
गाइस अभी शाम की बज चुकी है 6:30। इससे पहले गई थी मैं लकड़ी के लिए वहाँ पे जहाँ पे मैं रोज़ जाती थी, और उस टाइम पे मेरी फ्रेंड का कॉल आ रखा था तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। वहीं पे मैंने उसके साथ बहुत देर तक बात की और लकड़ी मैंने नीचे पर रख दिया। उसके बाद मैंने भाभी के लिए चाय वगैरह बनाई, उनको चाय दी क्योंकि उनको शाम की चाय नहीं दी थी। और अभी टाइम बराबर 6:30 हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे देखो सब्जी वगैरह भी काट दी है, मिक्स सब्जी काटी हुई है, आलू गाजर और शिमला मिर्च। मैंने सोचा उसके बाद खाना बनाएंगे। मेरी दीदियाँ आ रखी थी तो मेरी दीदी लेके आए हैं लड्डू, बेसन के लड्डू, और अब तैयारी करूँगी मैं डिनर बनाने की। तो दोस्तों चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, वैसे यू जय हिंद जय गढ़वाल जय देवभूमि उत्तराखंड। और एक बात और सॉरी, सुबह भयंकर वाली धूप आ रखी थी, मतलब ठीक ठाक ही थी भयंकर नहीं, और अभी बारिश होने लग गई है। मौसम का कोई भरोसा नहीं है और पहाड़ में इतनी सी बारिश आ जाए ना, बाप रे क्या बताएं। फिर तो इतनी ठंड लगनी शुरू हो जाती, भयंकर ठंड, बाहर तो रहा भी नहीं जा रहा भाई। अब आग जला कर वहाँ पर बैठेंगे चूल्हे पर। तो दोस्तों चलो इस ब्लॉग को करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बाय। दोस्तों ख्याल रखिए अपना भी और अपने परिवार वालों का भी, और साथ में मेरा भी रखिए यार ख्याल, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा बीत रही है आजकल। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।